कुछ मत खा ले। आज हम मलाई वाला गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। हमने ये 700 ग्राम गाजर लिया है, हमने लाल वाला गाजर लिया है, इसको धो के छील के रख लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गाजर के टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसको मिक्सर में डाल देंगे। अब हमने सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम गाजर को कुकर में रखेंगे। अब हम इसमें 1 कप फ्रेश मलाई डालेंगे जो हम दूध से निकाले हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें 4 इलायची डाल देंगे और हम इसको लो फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। अब 1 सीटी लग चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। 1 सीटी आने में लगभग 8 मिनट लगा है। अब हम कुकर को ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने आप ही इसका प्रेशर निकल जाएगा, तब हम इसको खोलेंगे। अब चेक कर लेते हैं, कुकर का प्रेशर निकल गया है। देखिए कितना सुंदर खुशबू आ रहा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो अब हम इसको गैस पे रखेंगे। मलाई डालने से क्या होता है कि इसमें मावा, दूध और घी तीनों का मिक्सर हो जाता है। अब हम इसको चलाते हुए इसमें जो भी पानी बचा है उसको सुखा लेंगे। अब ये पानी सूख गया है तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये हमने 100 ग्राम के करीब चीनी लिया है, इसको डाल देंगे। अब चीनी अपना पानी इसमें छोड़ दिया है, अब इसको हम चलाते हुए सुखाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। लगभग ये बन के तैयार हो गया है। 2 मिनट और इसको और पका लेते हैं। अब देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमारा मलाई वाला गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।